तो ये क्या बोली, तो सुनो कैसे रहे हो। गड़ी की साड़ी और खेतों पे डाकर के कागो घोड़ा, अगर ये शर्त तुझे मंजूर है तो मैं नीचे उतरूंगी, अन्यथा नीचे नहीं उतरूंगी। कहने लगी, दीदी आपकी आके सोधा रहा, और महाराज आज खड़े खड़े रो रहे थे। कहने लगे, रानी मैंने तुम्हें कितना समझाया था, मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुमने एक बात नहीं माना। आज ये दिन तुम्हें देखने के लिए मिला। रानी सुनती कहने लगी, ये पिया मेरी सौत सत्य कह रही है हमसे, मेरी सौत हमसे सत्य कह रही है। क्या सत्य कह रही है? एक शेर जो हमारे लिए बहुत है। मैं इसी में गुजर करती रहूंगी, और तुम मेरी छोटी बहन के साथ में मस्त होकर के रहो। मेरे प्यारे भाइयों, जिस समय रानी के हाथों में बांस दिया, मैया को टूटो सो खटोला दे दो, फटी सी रजाई दे दई, जब फटी सी रजाई दई है, आज रानी कामरानी हो गई। मेरे भैया, रानी कामरानी हो गई। जो रानी कभी महलों से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो समय के चक्कर में कागड़ानी हो गई। लेकिन एक बात दिमाग रखना भाई, मछली किसे प्यार करती है? मछली
पानी को प्यार करती है, लेकिन पानी मछली को प्यार नहीं करता है। आज रानी सुनीति सोचने लगी है, जब मेरे जीवन धने मुने देखने के नहीं मिल रहे हैं तो प्राणिया घर में क्यों अटके। इससे बढ़िया तो ये है कि कुआं में गिर के प्राण की आहुति दे दे तो ज्यादा अच्छा है। आज हाथ में बांस लिया और रात के 12 बजे रानी सुनीति कुआं में गिरने के लिए चली है। कैसे चली? नारदी